एक और जहां गाजा में इसराइल और हमास लड़ाकों के बीच छिड़ी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं इजरायली नेता इस आग को और भड़काने पर उतारू नजर आ रहे हैं। हुआ यूं कि इसराइल के दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन पीर हजारों यहूदियों के साथ यरूशलम के विवादित अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए। बताया जाता है कि इजरायली नेता के इस कदम से अरब देश चौकन्ने हो गए। हालांकि यहां तक तो सब ठीक रहा, मगर इसके बाद बेनवीर ने भड़काऊ फैसला लेते हुए अपने समर्थकों के साथ मस्जिद परिसर में प्रार्थना कर डाली। ऐसे में उनका अल अक्सा मस्जिद दौरा पूरी तरह से मुस्लिम देशों के लिए आग में घी डालने वाला रहा। दरअसल फ्लैश पॉइंट साइट में जाकर प्रार्थना पर कई सालों से प्रतिबंध लगा हुआ है। इजरायली नेता ने इसे ताक पर रखते हुए प्रार्थना की, जिसकी अब पूरी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। तो वहीं इस कदम से इजरायल बैकफुट पर आ गया है। अरब देशों ने तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी ही, इसराइल के सहयोगी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भी खूब खरी खरी सुनाई है। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेनवीर ने अल अक्सा में लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंध को नजरअंदाज कर गाजा में हमास को हराने की कसम खाई। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इसराइल पर ईरान और लेबनान की ओर से हमले की आशंका बनी हुई है। इजरायली मंत्री के आग भड़काने वाले इस कदम पर ईरान ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने के मकसद से अल-कुद्स के पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली मंत्रियों और अवैध निवासियों की ओर से हाल ही में की गई घुसपैठ शर्मनाक है। फर्जी इजरायली शासन के कुछ मंत्रियों की अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुसपैठ मुस्लिम पवित्रताओं का घोर अपमान है। ये दुनिया भर में मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन है। ये एक उत्तेजक कदम है। इसका मकसद देश में तनाव और अस्थिरता पैदा करना है। इजरायल फिलिस्तीनी मुसलमानों और मुस्लिम दुनिया की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाकर अपना युद्ध विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। बताते चले कि अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक माना जाता है। इसराइल भी इसे यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान बताता है, क्योंकि मस्जिद परिसर में डोम ऑफ द रॉक भी शामिल है। इसराइल के लोग मस्जिद परिसर को टेंपल माउंट कहते हैं। बताया जाता है कि इजरायली 13 अगस्त 2024 को यहूदी शोक दिवस मना रहे थे। बेनवीर ने इसी शोक दिवस को मनाने के लिए मस्जिद परिसर में प्रवेश किया। ऐसा दावा है कि साइट को 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने नष्ट किया था, जिसे कई सालों बाद में प्राचीन धार्मिक धरोहर के तौर पर पहचान मिली, जिसके याद में इसराइल के लोग इस दिन को शोक के दिवस के तौर पर मनाते हैं। हालांकि विवादित साइट होने के चलते यहां यहूदियों और अन्य गैर मुस्लिमों को पूर्वी यरूशलम के मस्जिद परिसर में जाने की इजाजत तो है, मगर उन्हें प्रार्थना करने की इजाजत नहीं है। गौरतलब है कि साल 1967 में अल-कुद्स पर इजरायली कब्जे के बाद इसराइल और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत पवित्र परिसर में गैर मुस्लिम पूजा पर पूरी तरह से रोक का प्रावधान था। मालूम हो कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसे उल्लंघन हो चुके हैं, मगर ताजा मामला बेहद नाजुक मोड़ पर हुआ है, जहां मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। इसराइल पर एक साथ ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट टूट पड़े हैं, तो वहीं अब ईरान भी इसराइल को सीधे हमले की धमकी दे चुका है। दोनों देशों के बीच किसी भी वक्त बड़ा युद्ध छिड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। बता दें कि बीते कुछ सालों में बेनवीर जैसे दूर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं ने इन प्रतिबंधों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी की है। इसका नतीजा पूरे इसराइल को भुगतना पड़ता है। तो वहीं अरब देशों का गुस्सा पूरी तरीके से इसराइल पर फूट पड़ता है। यही वजह है कि इन उल्लंघनों से फिलिस्तीनियों की हिंसक प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती रही हैं। तो वहीं इसराइल को लेकर उनकी दुश्मनी और तीखी हो जाती है।